मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली। इसमें कुछ पद हैं जो ईश्वर की जिसमें महिमा कही है और साथ ही साथ ईश्वर के मिलन से जो आनंद प्राप्त होता है उसकी चर्चा की है। और साथ ही साथ इसमें एक पद में ये भी बताया गया है कि कैसे जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं। तो ये जो पद हैं कबीरदास जी के, ये साधुकड़ी भाषा में लिखे, या ये कहें कि जो साधुओं के बीच की जो भाषा होती है, साधु जिस भाषा में संवाद करते हैं या जिस भाषा में वो भजन वगैरह गाते हैं, उसी भाषा में इन पदों की रचना की है कबीरदास जी ने। तो अधिकतर इन पदों में शांत रस का प्रयोग किया गया है। इसका जो छंद है वो गे पद छंद है। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, यूपी बोर्ड के। तो ये उन्हीं के हिंदी के काव्यखंड में है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला जो इसका पद है, इसमें कबीरदास जी ने परमात्मा से मिलने और परमात्मा के मिलन के बाद जो आनंद प्राप्त होता है उसका वर्णन इन्होंने किया है। यानी परमात्मा का मिलन और परमात्मा के मिलन से प्राप्त आनंद की यहाँ महिमा बताई है, वर्णन बताया है, यहाँ वर्णन किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं समझे, बहुत दिनन थे, यानी बहुत दिन हो गए, बहुत समय। यहाँ दिन का अर्थ है बहुत वर्ष, कई जन्म। कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, कि बड़े जन्मों की, कई जन्मों की साधना हो गई, उसके बाद मुझे प्रीतम की प्राप्ति हुई, अर्थात राम रूपी परमात्मा की प्राप्ति हुई। और भाग बड़े घर बैठे आए। और कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद, लगातार साधना के बाद, मुझे परमात्मा से मेरा मिलन हो गया, मुझे मेरा प्रियतम मिल गया। और भाग बड़े घर बैठे आए, कि मेरा बड़ा भाग है कि इसके लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, बल्कि मेरे पास खुद चल के आ गए। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं, मंगल चार माही मन राखा, माही माने के अंदर और मन माने मन में, राखो मंगल चार माही मन राखो, राम रसायण रसना चासो। कि कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के मिलन से मेरा रोम रोम जो है, या ये कहें कि मैं बहुत आनंदित हूं। तो मंगल चार माही मन राखो, कि अब उनका जब मुझसे मिलन हो गया, मैं जब उनसे मिल गया, तो मैं मन ही मन, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया और मैं मन ही मन मंगल गीत गाने लगा। मंगल चार माने मंगल गीत गाना, माँ ही माने के अंदर, मन माने मन में, राखो माने रखूं, कि मैं अपने मन में ही मंगल चार के गीत गाने लगा, उच्चारण करने लगा, राम रसायण रसना चासूं। और जो राम रसायण है, यानी राम रूपी जो रस है, राम नाम रूपी जो रस है, उसको अपनी रसना माने जीभ से चासूं, माने उसका स्वाद लेने लगा। कि जब मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई तो मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मन ही मन मैं मंगल गीत गाने लगा। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं, यानी वो मंगल गीत गाने लगे, अपने लिए वो कह रहे हैं। और परमात्मा की जब आगमन हुआ तो उनकी जो जीवा है वो ईश्वरीय रस का आनंद लेने लगी, ईश्वर के आनंद रूपी रस को चसने लगी, चासो माने चखना। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव प्यारा। और मंदिर माही, यानी मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में भया उजियारा, माही माने होता है के अंदर, कि मेरे मन के अंदर भया उजियारा, यानी मन में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। और ले सूती, सूती माने सुखी, अपना पीव प्यारा, कि मुझे उस अपने परमात्मा रूपी आनंद को मैं लेकर, या ये कहूँ कि अपने में रख के मैं उसका आनंद भोगने लगा। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि वे परमात्मा के साथ आनंद में मग्न हो गए। ले सूती अपना पीव प्यारा, कि जो प्यारा परमात्मा है उस
उसके आनंद को, उसके सुख को वे भोगने लगे। पीने का मत, पीव का मतलब है पीना, यहाँ यहाँ पान करने से अर्थ है। मैं रन रास जे निधि पाई, रन राशि, रन माने होता है रत्न, राशि माने होता है मात्रा, अधिक मात्रा में। जे निधि, निधि माने होता है खजाना, कि जब मुझे राम मिल गए, मुझे परमात्मा मिल गया, तो मुझे रत्नों का एक निधि मिल गई, एक खजाना मिल गया। और हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। और कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, ये हे परमात्मा कि आप मुझे मिले, इसमें आपका ही बड़प्पन, ये आपकी ही कृपा है कि इसमें हम ही कहा, मेरे इसमें कहने में कोई बढ़ाई नहीं, यह तुम ही बढ़ाई। कि मैं कह रहा हूँ हम ही कहा, यानी मेरी कहाँ, मेरी कोई बढ़ाई नहीं, मेरा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि यह तुम ही बढ़ाई, ये आपकी ही कृपा है, आपका ही बड़प्पन है कि आप मुझ तक आ गए, मुझे प्राप्त हो गए। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मुहि दीना। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, अब सखी का अर्थ है संतों से ले लीजिए, तो वे कहते हैं कि मैं हे कहे कबीर मैं कछु न कीना, कि हे सखी मैंने कुछ नहीं किया, कि जो मुझमें है, मुझमें हालांकि इतनी योग्यता नहीं है। वो कहते हैं कि सखी सुहाग राम मोहि दीना, कि जो राम रूपी मुझे, अब सखी माने भक्त को भी मान सकते हैं, क्योंकि भक्त भगवान को अपना पति भी मान के चलता है, तो उसी अर्थ में यहाँ कहा गया कि सखी सुहाग राम मोहि दीना, कि राम ने ही मुझे ये सुहाग प्रदान किया है, यानी ये मेरा सौभाग्य है कि परमात्मा की कृपा से वे मुझे स्वयं ही मिल गए। इसमें मैंने कछु न कीना, मैंने कुछ नहीं किया। जरा फिर से देखें इस पद को, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। कि बहुत दिनों की जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद मुझे प्रीतम की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, वे मेरे घर बैठे ही आ गए, मुझे कुछ विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ा, उनके पास तक नहीं जाना पड़ा। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रस ना चासो। और मैं तो इतना पुलकित हूँ, इतना आनंदित हूँ कि मंगल चार के मैं गीत गाने लगा, और यानी मन ही मन वे गीत गाने लगा, और राम रसायन यानी राम रूपी जो रसायन है, औषधि है, जो अमृत है, उसको, उस आनंद रूपी अमृत को मैं चसने लगा, यानी चूसने लगा, जीभ से उसका स्वाद लेने लगा। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीब प्यारा। कि मेरे हृदय रूपी मंदिर में, मन रूपी मंदिर में उजियारा हो गया, प्रकाश फैल गया, और मैं उस परमात्मा के सुख को भोगने लगा। मैं रनिरास जे निधि पाई, यानी राम मुझे मिल गए तो मुझे ठीक रत्नों की खजाना जैसे होता ना, वैसे ही मुझे खजाना प्राप्त हो गया। हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई, कि मेरी कहाँ, ये तो आपकी बढ़ाई है, पूरा आपका ही कृपा है। कहे कबीर मैं कछु न कीना, कि हे कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। सखी सुहाग राम मोहि दीना, यह सखी, हे संतो, जो मुझे सुहाग मिला है, सौभाग्य जो मिला है, सुहाग का मतलब है सौभाग्य, वो मुझे राम ने ही दिया है, उनकी ही कृपा से मुझे वो मिल गए। तो अब अगला पद देखें, दूसरा जो पद है, अब इसमें कवि क्या कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कि जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कबीरदास जी ये कहना है कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो मोह है और जो आसक्ति के जो बंधन है, वे टूट जाते हैं, यानी जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो यही यहाँ बताया गया है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संतो, आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत समाज, हे संतो, आई ज्ञान की आंधी रे, कि जब ज्ञान की आंधी आती है, यानी परमात्मा रूपी साक्षात्कार का जब ज्ञान होता है, यही कहें कि जब ज्ञान प्रकट होता है हृदय में, ईश्वर प्राप्ति रूपी ज्ञान, कि जब ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान की आंधी आती है, तो भ्रम की टाटी सब है उड़ानी, कि जो भ्रम की टाटी होती है, टाटी का अर्थ होता है कि जो टटिया होती है, पर्दा होता है, जो भ्रम रूपी जो पर्दा है, जो टटिया है, जैसे कहीं कोई बाड़ा होता है, बाड़े में एक टटिया लगी होती है, उसी टटिया की बात हो रही, कि
कि ठीक वैसे ही जो हृदय में जो अज्ञान की जो टटिया लगी होती है वो उड़ जाती है, माया रही न बांधी, कि जो अज्ञान की टटिया माया में बंधी होती है वो फिर माया में बंधी नहीं रहती, यानी भ्रम मोह माया सब छूट जाता है जब ज्ञान प्रकट होता है। भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रही ना बांधी रे, दुचेते की दो थुनी गिरानी, मोह बलीला टूटा, मोह बलीला बनीडा टूटा। कबीरदास जी कहते दुचिते की दो थुनी गिरानी, दुचिते, अब दुचिते का अर्थ है यहां मोह और आसक्ति रूपी थुनी, थुनी का मतलब होता है थुनिया, यानी वो एक लठा कह लें या बल्ली कह लें जो गड़ा होता है जिसके सहारे छप्पर टिका टिका होता है। तो दुचिते, यहाँ दुचिते कहने का अर्थ ये है कि जो दो खम्बे, थुनी का मतलब हुआ खम्बा, दुचिते यानी दो चित्त। अब दो चित्त का इधर अर्थ है माया और आसक्ति, यानी मोह और आसक्ति। दो चित्ते का अर्थ इधर ये है कि मोह और आसक्ति रूपी जो थुनी है कि जिस पर छप्पर तना होता है थुनिया से, जिसको थुनिया बोलते हैं साधारण बोलचाल में, थुनी गिरानी बे आंधी में गिर गई और मोह बलीडा टूटा, कि मोह का जो बलीडा है वो टूट गया। अब बलीडा का मतलब होता है सहतीर, यानी बेड़ा, जो मोटी बल्ली होती है ना उन्हीं थुनिया के ऊपर एक्रॉस लगी होती है, यानी दो थुनी गड़ी होती हैं और उसके ऊपर एक बल्ली लगी होती है जिस पर छप्पर टिका होता है। तो जब ज्ञान की आंधी आई तो जो मोह और आसक्ति रूपी जो द्विचिते की थुनी है वे दो गिर गई, द्विचिते की दो थुनी गिरानी, मोह बलीडा टूटा, कि जो मोह का जो बलीडा है वो टूट गया, सहतीर टूट गया जिस पर छप्पर टिका होता है, थुनिया भी टूट गई। तीसरा तृष्णा छानी परी घर ऊपर, और जो घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी जो छानी माने छप्पर छबा होता है, छानी का मतलब छप्पर छबा होता है, वो भी आंधी में गिर गया। चूंकि दोनों जो द्विचिते की दो थुनी थी मोह और आसक्ति रूपी वे गिर गई, यानी द्विचिते का इधर अर्थ है मोह और आसक्ति, कि दो थुनी गिरानी मोह बलीडा टूटा, और मोह का जो सहतीर था वो भी टूट गया। जब इतना सब टूट गया तो तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कि जो तृष्णा रूपी जो छप्पर है जो घर के ऊपर होता है पड़ा होता है, परी घर ऊपर माने जो घर के ऊपर पड़ा होता है वो भी टूट गया, और उसके टूटने पर क्या हुआ, कुबुद्धि का भांडा फूटा, वो जो कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है वे सब फूट गए। यानी कहने का कबीरदास जी का अर्थ ये है कि जब ज्ञान प्रकट होता है तो जो भ्रम की जो टाटी होती है, जो टटिया होती है, जो पर्दा होता है वो उड़ जाता है, टूट जाता है, माया रही ना बांधी, यानी फिर माया का कोई भ्रम नहीं रहता, कोई अस्तित्व नहीं रहता। दुचिते की दो थुनीत गिरानी, मोह बलीडा टूटा, और मोह का बलीडा भी टूट जाता है, और जो मोह रूपी बलीडा टूट जाता है, और जो दुचिते की दो थुनी है यानी मोह आसक्ति रूपी जो थुनी है वे भी सब गिर जाती हैं। और जब इतना सब हो जाता है तो जो तृष्णा रूपी जो छप्पर घर के ऊपर लगा होता है, हृदय के ऊपर, यहाँ घर का अर्थ है हृदय मन, उसके ऊपर जो छप्पर लगा होता है वो भी सब गिर जाता है। फिर कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जब छप्पर गिरता है किसी घर का तो जो अंदर जो बर्तन होते हैं कुबुद्धि रूपी वे सब फूट जाते हैं। और जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चू चुबे न पानी। अब संत समाज क्या करते हैं, जोग और जुगति, जोग माने योग, जुगति माने उपाय, कि जो तमाम योग संबंधी उपाय होते हैं, युक्तियां होती हैं, संत समाज क्या करती हैं, उससे अपने शरीर को बांध के रखती हैं, यानी योगाभ्यास आदि के माध्यम से शरीर को तपस्या के योग बनाती, ईश्वर प्राप्ति के योग बनाती, ताकि क्या हो जाए, निर्चू चुबे ना पानी, कि ताकि बिल्कुल ही पानी ना चूबे। अब पानी चूने का अर्थ है पानी गिरे नहीं। अब यहाँ लेकिन अर्थ दूसरा है, समझिएगा, कि जो संत समाज होते हैं वे क्या करते हैं, योग की युक्तियां की सहायता से शरीर रूपी छप्पर को मोह माया रूपी रस्सी से युक्ति पूर्वक बांधते हैं, ताकि उसमें से तनिक भी पानी ना रिसे। यानी छप्पर क्यों बांधा जाता है, ताकि पानी ना गिरे, लेकिन जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो सब टूट फूट के एक तरफ
हो जाता है। और कूड़ कपट काया का निकषया, जो शरीर का कपट रूपी कूड़ होता है, कूड़ा होता है, वो तो सब निकस जाता है, निकल जाता है, माने हट जाता है। कूड़ कपट, छल कपट का कूड़ा, काया का निकषया, हरि की गति जब जानी। और जब जीवात्मा यानी जब भक्त या साधक जब हरि की गति जान जाता है, अर्थात अपने आत्मस्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, यानी ईश्वर को जब पा लेता है, ज्ञान जान लेता है, ईश्वर संबंधी ज्ञान उसको हो जाता है, तब कूड़ा करकट जो होता है हृदय का, जो कपट रूपी, वो सब हट जाता है, निकल जाता है। और आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा माने बरसना, और आंधी पीछे कि आंधी के बाद जो जल बरसता है, प्रेम हरि जन भीना। तो जब ये जल बरसता है तो फिर क्या होता है कि जो हरिजन होता है, प्रभु का भक्त होता है, उसके उसका हृदय पूरा भीग जाता है। हृदय काहे से, प्रेम के प्रेम से भीग जाता है। भीना माने वो जाने, भर जाना है, भीग जाना, यानी भक्त का फिर प्रेम रूपी वर्षा में भक्त का जो अंग अंग है पूरा भीग जाता है। प्रेम हरिजन भीना, यानी प्रेम से जो हरिजन है, हरि का जो जन है यानी भक्त है, वो भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, और कबीर दास जी कहते हैं जब भानु प्रकट होता है, यानी सूर्य जब प्रकट होता है, उदित भया तम सीना, कि जो तम होता है, अंधकार होता है, कि सूर्य के प्रकट होती है, उदित भया, जैसे ही वो उदित होता है, सूर्य निकलता है, जो तम होता है, अंधकार होता है, वो सीना हो जाता, माने समाप्त हो जाता, नष्ट हो जाता। यानी जब हृदय में ज्ञान प्रकट, ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है, तो जो अज्ञान रूपी जो अंधकार होता है, वो भी नष्ट हो जाता है। अब अगला पद देखें, तीसरा जो पद है, अब इसमें क्या कहते हैं कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि केवल परमात्मा के नाम भर जपने मात्र से कुछ नहीं होता। यानी जब तक जीवात्मा परमात्मा से सच्चा प्रेम न करे, तब तक कहीं भी राम की प्राप्ति नहीं होती, यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, पंडित वाद वदंते झूठा, कि पंडितों का जो वाद विवाद है, जो उनका तर्क है, वो झूठा है। राम कहा माने कहने से, राम कहने से दुनिया गति पावे, कि अगर राम कहने से दुनिया गति पावे, यानी पूरी दुनिया को मोक्ष मिल जाए, और खांड कहा मुख मीठा, और खांड कहने से मुख मीठा हो जाए, और पावक कहा पांव जे दाझे, अग्नि कहने से मात्र पांव जे दाझे, यानी पांव जो जलने लगे, दाझे माने जलने लगे, जल कहीं तृषा बुझाई, और जल कहीं, जल कहने से तृषा माने प्यास बुझती है, भोजन कहा यानी भोजन कहने से भूसी जे भाजे, और भूख भाग जाती है, भूसी माने भूज भूख, सो तो सब को तिरी जाई। माने कबीरदास जी के कहने का अर्थ यह है कि जो पंडित लोग, पंडित वाद वदंते झूठा, कि जो पंडित लोग ज्ञानी लोग ये कहते हैं, उनका जो वाद विवाद है इस बात पर कि राम नाम का केवल उच्चारण करने से गति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि खांड कहने से मुख मीठा हो जाए, खांड एक प्रकार की शक्कर टाइप होती है, और अग्नि कहने से, पावक कहने से पांव जलने लगे, पांव जे दाजे, और जल कही तृषा बुझाई, और जल कहने से तृषा प्यास बुझ जाए, ऐसा नहीं है। और भोजन कहा भूसी जे भाजे, और भोजन कहने से कहीं अगर भूख भागने लगे तो सबको उतर जाए, फिर तो सभी ना तिर जाए, माने सभी मोक्ष ना पा जाए, यानी ऐसा नहीं होता। केवल राम नाम कहने मात्र से किसी को गति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, कोई संसार सागर से तिर नहीं जाता, माने पार नहीं निकल जाता। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परिताप न जाने, क्योंकि मनुष्य के साथ, नर के साथ जो सुआ होता है, तोता होता है, वो भी राम राम बोलता है, हरी हरी बोलता है, लेकिन हरि प्रताप न जाने, लेकिन उसको हरि का प्रताप महत्व पता नहीं होता, वो ईश्वर के बारे में जानता नहीं, बस केवल रटता है तोता। और जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आने, और वही तोता यदि जंगल में उड़ जाए कभी, तो बहुरी माने फिर से, न सुरते, सुरते माने याद, आने यानी फिर से उसको राम की याद नहीं आती, यानी मनुष्य के संग में रहता है तो राम राम उच्चारण करता है, लेकिन वही यदि जंगल में उड़ जाए
तो फिर उसको राम की कोई सूरतें याद नहीं आती। यानी कबीरदास जी के कहने का अर्थ है केवल राम राम कहने से काम नहीं चलेगा। प्रीति विषय मायासु, यानी प्रेम विषय माया, यानी सांसारिक रूपी जो विषय आकर्षण है, जो विषय है सांसारिक, जो विषय है विषय विषय माया है, यानी सांसारिक विषय है जो है उनसे प्रेम। और हरि भगतन सु हासी, यानी संसार में ऐसे लोग हैं जो सांसारिक विषयों से प्रेम करते हैं, माया से प्रेम करते हैं। और हरि भगतन सु हासी, और हरि भक्तों की हांसी माने हंसी उड़ाती है। सु माने का अर्थ इधर से, सु का मतलब से, कि हरि भक्तों से तो वे उनकी तो हंसाई करते हैं और सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधियो जमपुरी जासी। और कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, जो राम से, जिनके हृदय में सच्चा प्रेम उपजता नहीं, वे सांसारिक विषयों से प्रेम करते हैं बल्कि ईश्वर के प्रति उनके हृदय में प्रेम नहीं उपजता है, तो वे अंत में जब वे मरते हैं तो उनको कोई गति नहीं मिलती। यानी केवल राम राम कहने से कोई गति यानी मोक्ष नहीं मिलेगा, अंत में क्या जाना पड़ेगा, नरक ही जाना पड़ेगा जब तक राम से प्रेम ना होगा। तो इसलिए कवि ने, कवि यहाँ कहते हैं कबीरदास जी कि प्रीति विषय माया सु, कि विषय माया यानी सांसारिक विषयों से माया से तो प्रेम है, और हरि भक्तों की हंसी, हरि भक्तों का मजाक उड़ा रहे। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम तो नहीं है, तो इसलिए बांधियो जमपुरी जासी, कि अंत में उनको फिर जमपुरी ही जाना पड़ता है, यानी मोक्ष नहीं होता, वे नरक में ही जाते हैं। यानी इस पूरे पद में ये कहा गया है कि ईश्वर यदि मोक्ष पाना है तो राम राम रटने मात्र से काम नहीं चलेगा, राम से प्रेम भी जरूरी है, क्योंकि बिना प्रेम के राम नाम रटना झूठा है, कोई अर्थ नहीं उसका। आगे देखें अगला पद। इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि जिसको राम रूपी भक्ति प्राप्त हो गई हो वो फिर अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं। तो इसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी, हम न मर हैं, मरी है संसारा, हमको मिलिया जीवन हार, कि हमको मिलिया जियावन हार। अब जियावन हार का मतलब है इधर जीवन दाता या प्रभु, कि कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो राम मिल गए, हम न मर हैं, मरी है संसारा, कि अब मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, पूरा संसार भले ही मर जाए, हमको यानी हमें तो मिल गया, क्या मिलिया जियावन हार, माने हमें तो प्रभु की प्राप्ति हो गई, जियावन हार माने जीने का आधार, जीवन दाता हमें मिल गया, अब हम नहीं मरेंगे, अब ना मरो, मरने मन माना, मन माना माने इच्छा अनुसार, कि कबीरदास जी कहते कि अब मैं नहीं मरूंगा, अब ना मरो मरने मन माना, कि अब तो मुझे मन माना मरना है, जब चाहूंगा तभी मरूंगा। तेई मुए, मुए माने मरना, तेई मुए वे ही मरे जिन राम न जाना, जिन्होंने राम को नहीं जान पाया वे ही मरेंगे, अब मैं नहीं मरूंगा। साकत मरे संत जन जीवे, जो साकत हैं, जो शक्ति के पुजारी हैं, यानी जो शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, ईश्वर से जिनका प्रेम नहीं, वे ही मरे। संत जन जीवे, लेकिन जो संत जन हैं, जो राम के भक्त हैं, वे हमेशा जियेंगे, क्योंकि राम के भक्तों का भी नाश नहीं होता। भरी भरी राम रसायन पीवे, वे भर भर के राम रसायन, राम रूपी आनंद रूपी औषधि का पान करेंगे, यानी राम रूपी जो रस है उसको वो पान करेंगे, उसको पिएंगे, उस आनंद को भोगेंगे। हरि मरे हैं तो हमहू मरी हैं। अब कबीरदास जी कहते हैं इसलिए मैं नहीं मरूंगा क्योंकि राम अमर है, और यदि राम मरे, हरि मरे हैं तो हमहू मरी हैं, हरि का मतलब राम, यदि राम मरेंगे ईश्वर, हरि का मतलब ईश्वर या राम, बात देखिए, हरि मरे हैं तो हमहू मरी हैं, कि अगर राम मरते हैं तो हम भी मर जाएंगे, और यदि वे नहीं मरते तो हम नहीं मरेंगे। हरि न मरे हम काहे को मरी हैं, और वे कहते हैं कि यदि हरि ना मरेंगे, ईश्वर ना मरेगा, तो फिर हम क्यों मरेंगे, यानी क्योंकि ईश्वर तो अमर है, जब ईश्वर अमर है तो उसे कभी मरना नहीं, तो हमें भी नहीं मरना। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को तो उन्हीं में मिला दिया, मन मन ही मिलावा, मन ही मन में उसको, उसमें अपने आप को उनमें लीन कर दिया, मिला दिया। अमर भये सुख सागर पावा, कि मैं तो अमर हो गया, मैंने तो सुख रूपी सागर अर्थात ईश्वर रूपी सागर की प्राप्ति कर ली, जो सुख का सागर है, इसलिए मैं अमर हो गया।
अगला पद देखें, तो इस प्रकार से इसमें जो कहा गया है, कबीरदास जी ने बताया कि वो अमर हो गए कि उनको राम रूपी आनंद की प्राप्ति हो गई, राम रूपी रस मिल गया, इसलिए वो कहते हैं हम न मरिए संसारा, हमको मिलिया जियावन हार। अब ना मरो मरने मन माना, कि अब नहीं मरूंगा, मुझे तो अपना मन माना मरना है, जब चाहूंगा तब मरूंगा अपनी इच्छा अनुसार। ते ही मुए जी राम ने जाना, वे ही मरे जिन्होंने राम को नहीं जाना, साकत मरे संत जन जीवे, और शक्ति को उपासक ही मरे, भरी भरी राम रसायन पीवे, क्योंकि जिन्होंने राम को पा लिया वे तो राम रसायन पियेंगे, अमृत का पान करेंगे, यानी वे ही मरेंगे जो शक्ति पाने के लिए साधना करती, जो ईश्वर को पाने के लिए साधना करते वे नहीं मरेंगे। हरि मरिहे तो हमहु मरिहे, और हरि मरिहे तो हमहु मरिहे, और अगर राम मर जाएंगे तो फिर हम ही मर जाएंगे, क्या दिक्कत है। हरि न मरे हम काहे को मरिए, और अगर हरि नहीं मरते तो फिर हम क्यों मरे। कहे कबीर मन ही मिलावा, और कबीरदास जी कहते कि मैंने मन ही मन में राम से मेरा मिलन हो गया, यानी मैंने अपने अंतर में अपने आप को लीन कर लिया, राम में ही मिला दिया, तो अमर भये सुख सागर पावा, इसलिए सुख का मुझे सागर मिल गया, इसलिए मैं अमर हो गया। अगला पद देखें, अगले पद में जीव और जो ब्रह्म है ईश्वर है उसके संबंध को इसमें बताया गया है। तो जो जीव है उसको कमलिनी यहां बताया गया है, और जो जल है वो ईश्वर ब्रह्मा का प्रतीक है, तो यहां ये बताया गया इस पद में। तो देखें, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। तो यहां नलिनी यानी कमलिनी, कमलिनी का अर्थ है जीवात्मा। तो कवि जो है वो कबीरदास जी इधर पूछते हैं, कहते हैं काहेरी नलिनी तू कुमलानी, कि हे नलिनी यानी हे जीवात्मा रूपी कमलिनी, तू कुमला क्यों रही है, तेरे ही नाल सरोवर पानी, कि तेरी जो नाल है उसमें सरोवर का ही तो पानी है, यानी तेरे अंदर सरोवर का पानी है, तो तेरे अंदर तरलता है, और जब तरलता है तो तू कुमला क्यों रही, कि जैसे पानी ही ना हो तुझमें, जल ही ना हो, जल में उत्पत्ति जल में वास, कि तेरी जल में ही उत्पत्ति होती है, जल में ही तेरा वास है कमलिनी का, यानी तू परमात्मा से ही उत्पन्न हुई और परमात्मा में ही रह रही, और जल में नलिनी तोर निवास, किस परमात्मा में ही है नलिनी तेरा निवास है, ना तली तपती, और जो जल का जो तल है सरोवर का जो तल है उसमें कोई तपन भी नहीं है, वो तप भी नहीं रहा, ना ऊपर आग और ना ही ऊपर आगी है, ऊपर भी कोई तपन नहीं है, नीचे भी कोई तपन नहीं है, तोर हेतु कहू कासन लाग, और तोर हेतु यानी हेतु का अर्थ है प्रेम, कि तेरा जो प्रेम है वो कासन है, माने किससे लाग, कि क्या ऐसा तो नहीं कि जो तेरा आधार है जो जल है परमात्मा जो है वो तेरा आधार है, हे कमलिनी रूपी जीवात्मा, परमात्मा रूपी जो जल है वही तेरा आधार है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि तूने उस आधार रूपी स्रोत को खो दिया हो, वो तेरा किसी और से प्रेम हो गया हो, तो रहे तो कहू का सन लाग, कहे कबीर जे उदक समान ते नहीं मुए हमारे जाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जे यानी जो उदिक समान, उदिक का अर्थ है जल, कि जो जल में समान है समाई हुई है कौन, नलिनी। अब जल का मतलब है परमात्मा, यानी जीवात्मा रूपी जो नलिनी है वो परमात्मा में समाई है, और जब समा ही गई है तो ते नहीं मुए हमारे जान, यानी वे फिर मुए यानी मरते नहीं, हमारे जान ऐसा हम जानते, हमारे जाना माने ऐसा हमारी समझ, जाना माने समझ, कि हमारी समझ में ये है, मुझे इतना पता है, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी समझ में ये इतनी बात है कि जो जल में ही समा गया यानी जो ईश्वर में ही समाहित हो गया वो कभी मरता नहीं है, वो अमर है, इसलिए तू क्यों कुमला रही है। तो इस प्रकार से ये जो पदावली है कबीरदास जी की वो यहीं समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। आगे हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।